क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि ए एक काम को 15 डेज में खत्म करता है, बी वही काम को 20 डेज में खत्म करता है। अगर दोनों मिलकर एक साथ 4 दिन तक काम करता है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना काम बाकी रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ए करता है यहाँ पर 15 डेज में, बी वही काम को 20 डेज में खत्म करता है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, ये 60 क्या है, 60 है टोटल वर्क। ठीक है, अभी यहाँ पर 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ये 4 भाग है एका एफिशिएंसी, मतलब ए एक दिन में 4 भाग काम करता है, बी एक दिन में 3 भाग काम करता है। ठीक है, तो मतलब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में ए प्लस बी हो जाएगा यहाँ पर 4+3, मतलब यहाँ पर 7 भाग। ठीक है, मतलब एक दिन में अगर 7 भाग काम करेगा तो यहाँ पर 4 दिन में कितना भाग काम करेगा, मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे तो मतलब 28 भाग काम करेगा 4 दिन में। 60 है यहाँ पर टोटल वर्क, तो मतलब 60 से हम 28 को अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 32 आ जाएगा यहाँ पर बाकी काम। ठीक है, तो कितना में से 32, टोटल है यहाँ पर 60, इसको काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, नीचे हो जाएगा 15 भाग काम बाकी रहेगा।